एफ डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वैसे एफ डिस्ट्रीब्यूशन है, और इसी तरह बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है ना। अब सवाल ये पूछेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड है। फॉर एग्जांपल वेट की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पॉपुलेशन के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि क्या जो वेट है वो इस तमाम मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन उनमें एक जैसे हैं, करीब करीब हैं, या नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, या कुछ लोग बहुत ही हैवी हैं जैसे आप हैं, और कुछ लोग बहुत हल्के हैं, हैवी वो भी हैं। हल्के कौन हैं, वो सबसे हल्की वही है, वेट सबसे कम है, तो ज़्यादा और कम, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। ये आपके उसमें भी आया था MCQs में भी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज। तो अगर वेट आप में से ये फॉर एग्जांपल 50 लोग हैं, लेकिन 4-5 लोग ऐसे जिनके जिनका वेट जो है ना वो 100 से बढ़ गया, तो इनका मीन बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा, ऊपर जाएगा, और अगर बहुत पतले पतले इस तरह होंगे तो इनका मीन जो है ना बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा। तो एक्सट्रीम वैल्यू से मीन जो है वो अफेक्ट होता है, इसके बावजूद भी कई लोगों ने मीडियन को जो है ना वो सर्कल किया हुआ, ठीक है। तो ये जो एफ डिस्ट्रीब्यूशन है या अनोवा टेस्ट है, अनोवा है एनालिसिस ऑफ वेरियंस, ये है ही वेरियंस, वेरियंस का मतलब है वेरिएशन, ठीक है जी, वेरियंस का मतलब वेरिएशन। ये हम अप्लाई कब करते हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है। पहले तो ये है कि जितने भी ये टेस्ट थे, ये जो हम अप्लाई कर रहे थे, हमारा आउटकम वेरिएबल जो है वो कंटिन्यूअस था, क्या था, कंटिन्यूअस, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था वो था कैटेगोरिकल, कैटेगोरिकल का मतलब है यस एंड नो, मैरिड अनमैरिड, मेल फीमेल, ये कैटेगोरिकल वेरिएबल कहलाते हैं। कंटिन्यूअस वो है कि जिसको आप मेजर करते हो, फॉर एग्जांपल वेट है, हाइट है, ब्लड प्रेशर है, ग्लूकोज लेवल है, ये। और फिर हम क्या देखते थे, ये देखते थे इंडिपेंडेंस ऑफ फर्टी टेस्ट में हमने क्या किया कि अगर वेट है किसी पॉपुलेशन का तो मेल और फीमेल में म्यू वन म्यू टू ये दोनों बराबर हैं या एक दूसरे से डिफरेंट है, इन मीन का डिफरेंस हम मालूम करना करते थे इंडिपेंडेंस ऑफ फर्टी टेस्ट में। तो ये जो वेट है पूरे पॉपुलेशन का जो वेट है, आया ये मीन वेट मेल और फीमेल में डिफरेंट है या सबका वेट एक जैसा है, मीन वेट एक जैसा है मेल और फीमेल, या मैरिड एंड अनमैरिड की आप बात करें, क्योंकि यहाँ पर मेल है नहीं तो आप मैरिड और अनमैरिड की बात करें, ये तो होंगे ना मैरिड एंड अनमैरिड, तो मैरिड और अनमैरिड में ये जो मीन वेट है ये एक जैसे हैं या डिफरेंट है, इसमें इंडिपेंडेंस ऑफ पर्टी टेस्ट हम अप्लाई करते हैं। सिमिलरली जब हम अनोवा अप्लाई करते हैं, एनालिसिस ऑफ वेरियंस अप्लाई करते हैं, तो हमारा आउटकम वेरिएबल जो है अगेन वो कंटिन्यूअस होता है, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो कैटेगोरिकल होता है, लेकिन शर्त क्या है कैटेगोरिकल की कि यहाँ पर आपके पास सिर्फ दो कैटेगरीज होती थी, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड, यस नो, नॉर्मल एबनॉर्मल, इस तरह की कैटेगरीज दो होती थी इंडिपेंडेंट सैंपल। यहाँ पर आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसकी कैटेगरीज दो से बढ़ जाती है, फॉर एग्जांपल क्वालिफिकेशन, क्या है क्वालिफिकेशन, तो आप कहेंगे कि इलिटरेट, मैट्रिक, एफ ए, बी ए, एम ए और पी एच डी एक्सेट्रा, कितने कैटेगरीज हो गई, 3, 4, 5, 6 कैटेगरीज हो गए। इस पे फिर आप इंडिपेंडेंस ऑफ पर्टी टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्पेसिफिक हैं फॉर अ कैटेगोरिकल वेरिएबल विच हैज़ टू कैटेगरीज और टू ऑप्शंस, दो से अगर बढ़ जाते हैं तो फिर वो इंडिपेंडेंस ऑफ पर्टी टेस्ट की जगह ये वाला अनोवा आप अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करते हैं, अनोवा अप्लाई करते हैं। जब आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऑप्शन 3 या 3 से ज्यादा हो तो उस पर आप अनोवा अप्लाई करेंगे। अनोवा आपको ये बताएगा कि म्यू वन, म्यू टू, म्यू थ्री, म्यू फोर, म्यू फाइव, म्यू सिक्स और 7 जितने भी हैं ये नल हाइपोथेसिस,
कि ये तमाम मीन्स जो हैं ये बराबर हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं है, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस कहेगा कि नहीं, एट लीस्ट वन मीन इज डिफरेंट, वन मीन इज डिफरेंट। जब आप इसको आखिर में प्रूफ करेंगे बाय अप्लाइंग द फॉर्म्यूला एंड हैविंग द कंप्यूटेशन थ्रू द फॉर्म्यूला, आप सिर्फ इतना मालूम कर सकते हैं कि तमाम मीन बराबर नहीं है, कोई एक मीन जो है वो डिफरेंट है, ये अनु आपको बता देता है। ठीक है जी, अगर ये देखने के लिए कि कौन सा मीन कौन से डिफरेंट है, फॉर एग्जाम्पल म्यू वन म्यू टू से, म्यू टू म्यू थ्री से, हाँ कौन कौन से मीन में डिफरेंस है, तो फिर ये अनोवा आपको ये इंफॉर्मेशन नहीं देगा, ये आपको देगा पोस्ट हॉक टेस्ट देगा। क्या देगा? पोस्ट हॉक टेस्ट, जिसको कहते हैं टू के एच एस डी का मतलब है ऑनेस्टली सिग्निफिकेंट डिफरेंस, ऑनेस्टली सिग्निफिकेंट डिफरेंस, या हम बाद में करेंगे, अभी नहीं, जब अनोवा पूरा हो जाए तो उसके बाद हम पोस्ट हॉक टेस्ट टू के एच एस डी पे आएंगे कि हम अप्लाई कैसे करेंगे, इसका क्या फॉर्म्यूला है। ठीक है जी, वो बाद में करेंगे, अभी आपने सिर्फ अनोवा पे फोकस करना है, आपको सिर्फ इतना पता चले कि तमाम मीन बराबर हैं या उनमें से कोई एक मीन जो है वो डिफरेंट है। ठीक है ना, तो ये आपको अनोवा बता देगा। F distribution, MS between, MSW, फिर MS between is equal to SS between over degree of freedom between, और MSW is equal to SSW divided by degree of freedom W, ये इसका फॉर्मूला। इसको कहते हैं mean sum of square between, mean sum of square within, इसको कहते हैं sum of square between और सम ऑफ स्क्वायर विद इन, सम ऑफ स्क्वायर विद इन, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन। ठीक है जी, अच्छा अब यहाँ आपकी क्लास की एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपके क्लास में से तीन ग्रुप बना लिए, कितने? तीन ग्रुप एग्जांपल लिया 15 का या 9 का, और इनको तीन ग्रुप में डिवाइड कर, तीन सैंपल मैंने लिए, 1, 2 और 3। ठीक है जी, और मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि एग्जाम के दौरान स्ट्रेस लेवल जो है वो ग्रुप 1, ग्रुप 2 या ग्रुप 3 इनमें डिफरेंट है या एक जैसा है, ये मैं देखना चाह रहा हूँ। आप इसको इस तरह भी अप्लाई कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल जहाँ पर आप क्लिनिकल पे काम कर रहे हैं वहाँ पर पेशेंट्स हैं, और एथनिसिटी की बुनियाद पर आप ये देखना चाह रहे हैं कि आया जो पठान है, जो पंजाबी है, जो सिंधी है, जो सराइकी है, या मजहब के बुनियाद पर जो क्रिश्चियन है, जो मुस्लिम है, जो हिंदू है। आपके पास फॉर एग्जांपल तीन डिफरेंट रिलीजन के लोग एक ही वार्ड में पड़े हुए, मेडिकल वार्ड में, सर्जिकल वार्ड में, और आप ये देखना चाह रहे हैं कि कौन से मजहब के लोग हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट से ज़्यादा मुतमईन है, उनमें स्ट्रेस कम है या ज़्यादा है, तीनों एक जैसे स्ट्रेस रखते हैं हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट, या ये डिफरेंट, तो उस पर फिर आप अनुवा अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप ये एग्जाम्पल ले लेते हैं स्ट्रेस, और स्ट्रेस को आप कंटिन्यूस किसी स्केल पे जो है वो मेजर करेंगे, इसके अपने स्केल्स आते हैं, ठीक है ना, इसको एज अ कंटिन्यूस आप लेंगे, और आप ये यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन, ये वार्ड में आपके पास एडमिट है, तो इनका जो मीन स्ट्रेस लेवल होगा वो म्यू वन होगा, इनका म्यू टू होगा और इनका म्यू थ्री होगा, म्यू वन म्यू टू म्यू थ्री। ठीक है जी, मीन वन जो मीन स्ट्रेस लेवल है वो हिंदुओं का है, फिर मीन स्ट्रेस मीन टू जो है वो मुस्लिम का है, और मीन थ्री जो है वो मीन स्ट्रेस लेवल क्रिश्चियन का है, ये एक ही वार्ड में पड़े हुए हैं। मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि तीन तीन मरीज जो है ना वो है इसी रिलीजन के साथ, ताकि कैलकुलेशन में हमारी आसानी। ठीक है जी, तो ये मैंने ग्रुप बना लिए, यहाँ पर ये हिंदू, यहाँ पर ये मुस्लिम, और यहाँ पर ये क्रिश्चियन। ठीक है जी, इसको ए बी सी का नाम भी आप दे सकते हैं, कैटेगरीज ए बी सी। तो कैटेगरीज हमारे पास कितने आ गए? दो से ज़्यादा हो गए, तीन है।
अब जब तीन हो गए तो इसका मतलब है कि हम इंडिपेंडेंस ऑफ पार्टिकल्स अप्लाई नहीं कर सकते, हम अनोवा अप्लाई करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने स्ट्रेस लेवल फॉर एग्जांपल मालूम किया कि स्केल पे आउट ऑफ फाइव, जीरो से लेकर पाँच तक एक स्केल है या जीरो से लेकर टेन तक स्केल है, और इस पे अपने एक एक इंडिविजुअल का स्ट्रेस लेवल मालूम किया कि आप मुझे बताएं कि हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में आपका स्ट्रेस लेवल कितना है। कोई कहता है कि नौ है, कोई कहता है आठ है, कोई कहता है सिफर है, कोई कहता है एक, और फिर हर तीन तीन का आपने मीन निकाला, एक को म्यू वन, दूसरे को म्यू टू, तीसरे को म्यू थ्री आप कहेंगे मीन स्ट्रेस लेवल। ठीक है जी, सपोज पहले ग्रुप में ये जो स्ट्रेस लेवल है एक दो और तीन, दूसरे में है दो चार और छः, तीसरे में है तीन पाँच और सात स्ट्रेस लेवल। ठीक है जी, इसको आपने एज ए कंटिन्यूस जो है ना वो डील करना। अब आपने ये देखना है कि आई ये स्ट्रेस लेवल तीनों ग्रुप के अक्रॉस एक जैसा है, इसका जो है मीन आएगा एक्स बार वन, तो तीन और दो पाँच और छः, छः डिवाइडेड बाई थ्री इज इक्वल टू टू, इनका जो मीन आएगा टू, दस बारह ये फोर, और इनका जो मीन आएगा बारह और तीन पंद्रह, पंद्रह डिवाइडेड बाई थ्री पाँच, एक का दो आया, दूसरे का चार आया, तीसरे का पाँच आया, ये मीन स्ट्रेस लेवल ऑफ द थ्री ग्रुप। चूँकि हमने सैंपल लिए हैं, पॉपुलेशन नहीं है, हमने सैंपल लिए तो एक्स बार आएगा, अब पॉपुलेशन लेंगे तो वो म्यू होगा, फिर पॉपुलेशन के लिए म्यू और सैंपल के लिए एक्स बार। अच्छा जी, नल हाइपोथेसिस क्या कहेगा कि म्यू वन इज इक्वल टू म्यू टू इज इक्वल टू म्यू थ्री। अल्टरनेट हाइपोथेसिस कहेगा कि एटलीस्ट वन मीन इज डिफरेंट, वन मीन इज, अगर एक भी डिफरेंट आया तो इसका मतलब है कि आपने केस जीत लिया, अगर तीनों एक जैसे आ गए तो इसका मतलब यू फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। ठीक है जी, अच्छा ये आपके हाइपोथेसिस है। इसको कैलकुलेट करने का तरीका ये है जो एक अकॉर्डिंग टू द फॉर्म्यूला कि पहले स्टेप में आप मीन कैलकुलेट करें, दूसरे स्टेप में यू एनालाइज द डिग्री ऑफ फ्रीडम, एनालाइज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर आपको याद है तो आपने, मैंने जितने भी टेबल लेके आए थे वो आपने स्क्रीनशॉट लिए थे, याद है आपको? तो आप एफ का अपना एक जो ना वो टेबल है, तीन डिफरेंट टेबल है, एक 5% है, एक 1% है और एक 10% है। हम ये वाला यूज करेंगे क्योंकि बाय डिफॉल्ट 5% वाला है। ठीक है जी, अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग कि अनोवा का जो टेस्ट है ये कभी भी टू टेल नहीं हो सकता, ये हमेशा एक टेल हाइपोथेसिस होता है और अपर टेल हाइपोथेसिस, अपर टेल टेस्ट। रीजन क्या है कि जब आप सारे वैल्यूज को कैलकुलेट करें तो एंड पे जो आएगा वो माइनस में नहीं आ सकता बल्कि प्लस में आता है, तो लिहाजा ये वन टेल टेस्ट है, पॉजिटिव टेल टेस्ट है। डिग्री ऑफ फ्रीडम पहले बिटवीन, डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन, डिग्री ऑफ फ्रीडम बराबर है के माइनस वन, और के है नंबर ऑफ ग्रुप, नंबर ऑफ ग्रुप्स माइनस वन, तो तीन ग्रुप है, एक माइनस करें दो डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये देखिए ए दो तीन है ना, तीन ग्रुप से एक माइनस करें कितना रह जाएगा, टू रह जाएगा, ये टू आपका बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन, डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन। डिग्री ऑफ फ्रीडम विद इन का जो फॉर्म्यूला है वो है एन माइनस के, यानी टोटल वैल्यूज, टोटल वैल्यूज माइनस नंबर ऑफ ग्रुप्स, तो ये है नाइन माइनस छ माइनस तीन इज इक्वल टू सिक्स, 9 माइनस थ्री इज इक्वल टू सिक्स। डिग्री ऑफ फ्रीडम ये विद इन है, सॉरी बिटवीन नहीं है, विद इन, एक है डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल, ये बराबर है एन माइनस वन, और 9 माइनस वन इज इक्वल टू एट, डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल। ठीक है जी, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो एनालिसिस ऑफ द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन, डिग्री ऑफ फ्रीडम विद इन, डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल, डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन टोटल ग्रुप्स माइनस वन, डिग्री ऑफ फ्रीडम विद इन टोटल वैल्यूज माइनस नंबर ऑफ ग्रुप्स, एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल, टोटल वैल्यूज माइनस वन इज इक्वल टू टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है जी, यहाँ तक होप आपको समझ में आ गया।
जी जी सर, ये के क्या है? के नंबर ऑफ ग्रुप, ये मैंने लिखा है ना, नंबर ऑफ ग्रुप माइनस वन, के इज द नंबर ऑफ ग्रुप्स, ठीक है जी। अच्छा, तीसरे नंबर पर आप करेंगे कैलकुलेट द ग्रेन मीन, कैलकुलेट द ग्रेन मीन, और ग्रेन मीन बराबर है एक्स बार वन प्लस एक्स बार टू प्लस एक्स बार थ्री डिवाइडेड बाई थ्री, तो ये आएगा टू प्लस फोर प्लस फाइव इज इक्वल टू एलेवन डिवाइडेड बाई थ्री इज इक्वल टू, ये आप कैलकुलेट करो, एलेवन डिवाइडेड बाई थ्री, मारकर मुझे नया दे दे, ये काम नहीं कर रहा। ठीक है जी। अच्छा, चौथे स्टेप में आप क्या करेंगे, आप मालूम करेंगे SST, सम ऑफ स्क्वायर टोटल, ये मैंने उधर लिख का फॉर्मूला में नहीं है लेकिन ये काम आएगा। SST का मतलब है सम ऑफ स्क्वायर टोटल, सम ऑफ स्क्वायर टोटल, और सम ऑफ स्क्वायर टोटल का फॉर्मूला है सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स डबल बार, ये जो आपके पास आया है ये एक्स डबल बार यानी ग्रैंड मीन के बराबर, ये जो आपके पास आया है ये ग्रैंड मीन। तो आप हर एक वैल्यू से, जितने भी तीनों ग्रुप्स हैं उनके वैल्यू से ग्रैंड मीन माइनस करेंगे, इसका फिर स्क्वायर लेंगे और तमाम को आपस में प्लस करेंगे, तो ये बनेगा सम ऑफ स्क्वायर टोटल, यानी तमाम वैल्यू से अब अगर ग्रैंड मीन माइनस करें, इनका स्क्वायर ले लें और फिर सबको प्लस कर दें, इससे जो आएगा वो सम ऑफ स्क्वायर टोटल होगा। यहाँ पर आप देखें वैल्यूज आपके पास सारे ग्रुप्स के जो हैं वो कितने हैं, एक दो तीन, दो चार छ, तीन पाँच और सात, एक्स आई माइनस एक्स डबल बार कितना हो जाएगा, वन माइनस थ्री पॉइंट सिक्स सेवन, टू माइनस थ्री पॉइंट सिक्स सेवन, थ्री माइनस थ्री पॉइंट सिक्स सेवन, टू माइनस थ्री पॉइंट सिक्स सेवन, फोर माइनस थ्री पॉइंट सिक्स सेवन, सिक्स माइनस थ्री पॉइंट सिक्स सेवन, थ्री माइनस थ्री पॉइंट सिक्स सेवन, फाइव माइनस थ्री पॉइंट सिक्स सेवन, सेवन माइनस थ्री पॉइंट सिक्स सेवन, ये क्या आ जाएगा, वन माइनस थ्री पॉइंट सिक्स सेवन, ये माइनस टू पॉइंट सिक्स सेवन होगा, ये वाला होगा माइनस वन पॉइंट सिक्स सेवन, ये वाला होगा माइनस जीरो पॉइंट सिक्स सेवन, ये वाला अगेन माइनस वन पॉइंट सिक्स सेवन, ये वाला कितना हो जाएगा जीरो पॉइंट थ्री थ्री, ये वाला हो जाएगा सिक्स से ये माइनस कर दे तो टू पॉइंट थ्री थ्री, ये वाला हो जाएगा माइनस जीरो पॉइंट सिक्स सेवन, ये वाला हो जाएगा 1.33, और ये वाला हो जाएगा 3.6733. अब इसका जो है ना फॉर्म में स्क्वायर x माइनस एक्स डबल बार, इसका स्क्वायर ले लें मुझे बता दें, हाँ जी 2.67 मल्टीप्लाई बाई 2.67, हाँ जी सेवन पॉइंट वन टू, ये वाला वन पॉइंट सिक्स सेवन, हाँ टू पॉइंट सेवन एट, 0.67, वन पॉइंट सिक्स अगेन, टू पॉइंट सेवन एट, और 0.33, 0.10, अच्छा फिर 2.33, 5.44,
और 0.67 अगेन 0.4 1.76 और 3.33 11.08 इसको जब हम प्लस करेंगे तो एक्स आई माइनस एक्स डबल बार के बराबर होगा। इसको प्लस कर दे रहा हूँ, प्लीज कैलकुलेट इट फॉर मी। ये आपका हो गया SST, तो SST ये वैल्यू नोट कर ले, 32.64 अब जो F है वो MS between divided by MSW, तो अब हम MSW मालूम करेंगे और इसको जब SST से माइनस करेंगे तो आपके पास ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो SSW ये परमानेंट है, ठीक है। SSW का जो फॉर्मूला है वो ये है, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार आई। एक्स आई माइनस एक्स बार आई का मतलब ये है कि आप क्या करेंगे कि हर एक ग्रुप का जो मीन है उसको अपने ग्रुप के वैल्यू से माइनस करेंगे, फिर स्क्वायर लेंगे, आपस में प्लस करेंगे, इसी तरह दूसरे ग्रुप का करेंगे, तीसरे का करेंगे और तीनों को आपस में प्लस करेंगे, तो ये आपके पास आएगा SSW। या आप इधर देखें, पहले वाले ग्रुप का मीन एक्स माइनस एक्स बार वन, ये आया आपके पास 1-2, 2-2, 3-2 और ये -1, 0,